I hope you have downloaded RStudio and you have learned the difference between error messages and warnings and what are packages and what are libraries. In this video, I'm going to talk very basics of course in RStudio. तो ये जो है आपके पास बहुत basics हम यहाँ पे अपने जो है वो व्यूज के लिए बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखिए तो कंसोल पेन, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वहां पे चार पेन्स हैं जहां पे आपके पास कोड आपने एंटर करना है. रनिंग कोड जो है वो आपके पास जो आपने बताना है आर को कि ये मेरी कमांड यहां पे रन होगी. मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसको ब्रीफ करूंगा. ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपकी वैल्यूज को स्टोर करते हैं. मैं भी कोई ऑब्जेक्ट एक्स की कोई वैल्यूज हम जनरेट करेंगे जो एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी. तो मेनली डेटा टाइप्स जो है हमारे पास जो शो होंगी वो इंटीजर्स, इंटीजर्स लाइक 0, 1, 15, 20, 30, डबल्स, नमेरिक्स का मतलब ये होगा कि जी वो इंटीजर्स भी हैं और उसमें फ्रैक्शन वैल्यूज भी हो सकती हैं, जैसे 2.7 है, 3 है, 0.8 है, 15.9 है. तो ये सारी डबल्स, नमेरिक्स वगैरह, जैसे कि आपके पास हाइट्स, वेट्स, ये वेरिएबल्स मैयर होंगे. लॉजिकल वेरिएबल्स वो होंगे जिसमें, या डेटा टाइप वो होगा जिसमें ट्रू एंड फॉल्स होगा. करेक्टर्स वो होते हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में ये जो है वो रिप्रेजेंट होंगे, जैसे एप्पल हो गया, जाहिद हो गया, माल्टा हो गया, मसमी हो गया, ऑरेंज हो. तो आप ये जितने ये सारे करेक्टर वेरिएबल्स हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है वो सारे मिलके जो ये तीनों चारों पांचों टाइप्स मिल जाती हैं और तो ये मिलके एक डेटा फ्रेम बनाती हैं. वेक्टर, जैसे हमारे पास एक सीरीज ऑफ वैल्यूज है, लेट्स से मैं एक्स को जो है ये लेस देन आर इक्वल टू, ये जो बेसिकली है ये इक्वालिटी के लिए आर में यूज होता है, सी ऑफ 4, 5, 8 एंड 11. तो ये मैं कंकेटिनेट कर रहा हूं 4, 5, 8 और 11 को. तो ये मेरे पास एक सीरीज जो है 5, 4 वैल्यूज की क्रिएट करेगा. फैक्टर वेरिएबल्स जो होते हैं वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, लाइक प्रोविंसेस हो गया, स्टेट्स हो गया. इस तरह से आपके पास फैक्टर वेरिएबल्स हैं जिसपे मैं रियल डेटा जब बातें करेंगे लेटर वीडियोज में तो उस पर बात करेंगे. डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में याद रखिए कि सबसे हमेशा हर वेरिएबल का नेम जो है कॉलम में सबसे टॉप पे होता है. तो कॉलम नेम्स होते हैं और हर रो में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं. तो रेक्टेंगल, ये आपके पास जैसे जो है वो अगर फर्ज करें 10 लोग हैं तो सबकी हाइट जो है वो एक कॉलम में होगी, उनका वेट नेक्स्ट कॉलम में होगा, उनकी एज जो है वो नेक्स्ट कॉलम में होगी, और इस तरह से आपके पास वो जो है हर कॉलम जो है एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा. तो अब वो वेरिएबल करेक्टर भी हो सकता है, नमेरिक भी हो सकता है, फैक्टर भी हो सकता है. तो ये जो चीज मिलके बनाती है तो ये चीज कहलाती है डेटा फ्रेम्स. अब यहां पे कंडीशनल वेरिएबल्स, कंडीशनल्स जो है वो क्या होते हैं आर में, तो अगर डबल इक्वल आप यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इफ एंड ओनली इफ, कि अगर 2 + 4 डबल इक्वल 6, इसका मतलब यह है कि क्या ये बात सही है, तो वो कहेगा यस. अगर ये आप उस तरह से नहीं लिखते जैसे मैथ्स में लिखते हैं या हम अपनी रूटीन में लिखते हैं 2 + 4 = 6, जो है ये आपको एरर देगा. मैं अभी आपके सामने इसको टाइप करूंगा. बुलियन अलजेब्रा में जब आपको स्टेटमेंट देंगे तो या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, जैसे 4 + 2 > 3, तो 3 तो ये बात सही है, 6 > 3 होता है तो आपको ट्रू मिलेगा, 3 + 5 < 1 तो ये नहीं होता तो ये आपको फॉल्स मिलेगा. लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड का यूज होगा तो उसके लिए ये आपके पास सिंबल यूज होता है, और का यूज के लिए ये एक वर्टिकल लाइन होती है. तो 2 + 1 = 3 तो ये बात तो सही है, एंड 2 + 1 = 4 ये बात सही नहीं है. तो इसमें से एक स्टेटमेंट सही है, एक नहीं है, तो इसका मतलब है फॉल्स हो गया. जबकि और अगर यहां पे एंड की बजाय और दे दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है. तो इसलिए या ये सही है या ये सही है तो ये आपको ट्रू मिल जाएगा. फंक्शन क्या चीज होती है, तो ये कमांड्स होती हैं और जो है ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं आर में. तो जैसे मैं यहां पे सीक्वेंस फ्रॉम 2 to 2 तो ये मुझे रिजल्ट देगा 2, सीक्वेंस फ्रॉम 2 to 7 ये रिजल्ट देगा 2, 3 एंड 7.
इट फंक्शन हमेशा ये ब्रैकेट ये दो जो ये दो जो पेरेंथेसिस हैं इसके साथ जो है फंक्शन जो है उसके बाद ये वाली अपीयर होंगी। अभी मैं जो है वो आर कंसोल की बात करता हूं, जैसे अभी हमने बात की कि जी आपके पास जो है वो अगर मैं यहां पे 2+1=3 करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा एरर, बट अगर मैं 2+1=3 करता हूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ट्रू। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं 3+4>= 5 तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू, बट अगर मैं लिखूं 3+4>= 9 तो रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, तो ये लॉजिकल हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक्स वेरिएबल ये <= जो है इक्वल भी डाल सकते हैं लेकिन नॉर्मली <= C4579 तो अब मैं इसको एंटर करता हूं तो इसने एक्स में डेटा स्टोर कर लिया और ये देखिए यहां पे मैंने कहा था ग्लोबल एनवायरमेंट, तो ये ग्लोबल एनवायरमेंट में ये वेरिएबल अब आपके पास, तो एक्स प्रिंट करता हूं तो ये चार वैल्यूज आ गई। इसी तरह से हमारे पास अगर सीक्वेंस है तो मैं ये कहता हूं सीक्वेंस आपके पास फ्रॉम लेट्स से 3 to 11, आप ब्रेक्स के साथ भी दे सकते हैं, तो ये देखिए 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 not equal to जो है वो आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो ये बहुत बेसिक आर कोर्स जो है ये यहां पे मैंने शो करने की कोशिश किया, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है लेकिन हम इसको इस तरह से कोर्स को याद करके नहीं करेंगे, हम इसको जब अपनी गैप माइंडर वाली नेक्स्ट वाली फाइल में मैं शो करूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में तो विल ट्राई कि हम इनको लर्न बाय डूइंग करें। तो आप यही नंबर्स ले लें, इससे मिलते जुलते नंबर्स ले लें, ये डबल इक्वल इक्वल ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, तो ये बहुत बेसिक सी थोड़ी सी अपने तौर पे प्रैक्टिस करें रेप्लीकेट करें तो लर्न बाय डूइंग होगा, विल नॉट ट्राई टू मेमोराइज दीज थिंग्स। आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी बेसिक्स, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा सा डेटा रैंगलिंग डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं तो ये चीजें हम